मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। माशाल्लाह माशाल्लाह है। अरे घर के सारे काम खत्म हो गए क्या, जो आराम फरमाया जा रहा है। मम्मी जी मैं सो थोड़ी रहा था, बस ऐसे ही लेट के ना कुछ सोच रहा था मैं। हाँ भाई, मेरा बच्चा बहुत बड़ा साइंसदान जो है सोचेगा नहीं तो फिर और क्या करेगा। अब हमारी बेगम के लिए चाय का भी कोई बंदोबस्त कर लो, देखो कितनी थकी आ रही है दफ्तर से। हाँ मैं यूं करके बंदोबस्त करके आता हूँ, अभी आया, अभी लाया मम्मी जी के लिए चाय। नाज़रीन, नामी गरामी डाकू जेल तोड़कर फरार हो गया है। कहा जाता है कि इस शख्स को आखिरी बार अमीरों की सोसाइटी माला माल ब्लॉक में देखा गया है। ये शख्स रातों रात अपनी वारदात सरंजाम देता है। शहरियों से गुजारिश है कि कहीं भी ऐसा मशकूक शख्स नजर आए तो पुलिस में फौरन इत्तला करें। इत्तला देने वाले को 50 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। अमीरों की सोसाइटी मालामाल, ये तो हमारा इलाका है। 50 लाख का इनाम? अरे लड्डू जल्दी करो, घर के सारे खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, यही ना घुस आए कहीं। नहीं, अरे बेगम छोड़े ना, आने दे घर में उसे। अरे खुद तो लुटाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है नहीं है? मुझे लगता है समाते भी लुटा दिए हैं। सोसाइटी में डाकू घुसाया है, डाकू, कोई एक्टर नहीं है। लड्डू जल्दी करो ना, जल्दी करो, सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करो। ठीक है मम्मी जी, मैं सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर देता हूँ, एकदम सब बंद कर देता हूँ। ठीक है। अरे ला, मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या बात है सुसर जी, किन सोचों में गुम है? लड्डू, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं बैठे बिठाए तुझे 5 लाख रुपए कमाने का मौका दे दूं तो तू पागल तो नहीं हो जाएगा? हाँ, ये सोच के जरूर पागल हो जाऊंगा कि जो शख्स 5 रुपए मांग सकता है वो मुझे 5 लाख देने की बात कर रहा है। वाह ससुर जी वाह। अबे इतनी देर में समझ में आई तेरी बात मेरी? है तो पागल हुआ क्या, कंगना समझ रहा है मैं? 5 लाख रुपए नहीं दे सकता मैं, अबे खानदानी आदमी हूँ, नवाब खानदान से मेरा ताल्लुक है। सचिन को तो मैं जानता हूँ, ये बताएं जो 5 लाख की बात कर रहे हैं इसका क्या चक्कर है? समझ गया ससुर जी, समझ गया। बस जब रात को सब सो जाए ना तो सारे दरवाजे खिड़कियां खोल देना। हैं? हाँ, दरवाजे खिड़कियां खोल दूं? हाँ। ससुर जी डाकू पकड़े हैं या चूहा? अब मैं एक काम करता हूँ, मैं घर से बाहर जाता हूँ और जो भी कोई मशकूक शख्स मुझे दिखता है मैं उसको घेर के घर ले आता हूँ। कैसा? अरे देख 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 लड्डू, अकेला तू ये काम कर लेगा ना? अरे ससुर जी बड़ी फिक्र की आपने, आपके इस लड्डू ने अकेले कितने लोगों को संभाला है ये आप नहीं जानते। पक्का पक्का किसी को घेर के ले आएगा ना? ससुर जी अब मैं क्या अपने मुंह से तारीफ करूं, अब शायद आप भूल गए, आपको भी तो घेरा था ना। वैसे बात पक्की है, घेरू तो है ये, और वो भी बहुत बड़ा। अपने घर समझिए, आइए तशरीफ रखिए, आइए आइए, प्लीज बैठे प्लीज बैठिए। ससुर जी डाकू लाया हूँ। डाकू? ये वही डाकू है जिसपे 50 लाख का इनाम है। आप चाहे पुलिस को फोन करें जल्दी जाए ताकि वो 50 लाख की जो रकम हमें मिलेगी। हाँ वो हम तीनों मिल बांट के खाएंगे। तीनों? क्या डाकू को भी हिस्सा दोगे? नहीं, ये ना मुजम्मिल, इसको ये भालू शाही। हाँ इसका क्या कमाल है यार, जैसे गर्मी को गर्मी मारती है, सर्दी को सर्दी काटती है, उसी तरीके से मैंने डाकू को पकड़ने के चोर का इस्तेमाल किया।
अरे मेरे मोती चूर के लड्डू। अच्छा 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 जल्दी से चल, पुलिस को फोन करें, किसी को पता ना चले। पुलिस को। अरे लड्डू इधर आके बैठ जाओ यार। जी 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 वही डाकू है, वही वही डाकू है जनाब। जी जी मैं अमीरों की सोसाइटी माला माल ब्लॉक से बात कर रहा हूँ जनाब। हाँ अच्छा आप ये बताइए कि कितनी देर में आ रहे हैं आप। अच्छा एक बात और है, वो जो है ना इनाम की रकम साथ लेके आइएगा जनाब। हाँ हम कैश लेंगे जी। हाँ बस चल बस अब निकल जाए बस। कितनी देर में आ रही है पुलिस? कह रहे हैं हम फौरन आ रहे हैं 3 घंटे में। फौरन आ रहे हैं 3 घंटे? हाँ ये कौन सा फौरन है, क्या फौरन से आ रहे हैं? अब जैसा उन्होंने कहा वैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन मैंने कह दिया आपसे कि देखो भाई इनाम की रकम हम कैश में लेंगे। हाँ हो सकता है इंतजाम करने में देर हो गई। इंतजाम? किस किस्म के इंतजाम? वो आपके खाने पीने के, आपकी खातिर तवाज़ो करने के इंतजाम। नहीं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस सिर्फ जाना है। नहीं देखिए बगैर ऐसे नहीं, चाय वाय बगैर। अच्छा चाय पिए, ठंडा पिए। मैं खुफिया मिशन पे निकला हुआ हूँ। हम भी उसी मिशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने घर आए मेहमान को ऐसे खाली नहीं जाने देते। और क्या भाड़ में गई तुम्हारी मेहमान नवाजी। मैंने तुमसे कहा ना मुझे बस जाना है, मैं खुफिया मिशन पे काम कर रहा हूँ। अरे मुजम्मिल पकड़ इसको, सुसर जी रस्सी लेकर आया, रस्सी लेकर आया, जाने नहीं दे रहा, जल्दी जल्दी जाना है। देखो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ मैं चोर डाकू नहीं हूँ। चुप डाकू कहीं का नहीं यहीं का। मैं डाकू नहीं हूँ। अरे चुप करो, डाकू नहीं हूँ। डाकू यही कहता है मैं डाकू नहीं हूँ, डाकू नहीं हूँ। अभी कुछ देर में मालूम हो जाएगा कौन डाकू है। तो सर जी इसका मुंह बंद करा है, मैंने आपको टेप लगा था। टेप लाया हूँ, ये रखा लगाओ उसके मुंह पे। कैद हो गया कैद। गुलाब ये कहाँ गया? ये कहाँ गया? गुलाब कमरे में आइए। कमरे में आ रहा हूँ। तो इसको जरा ध्यान रखियो। हनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ अपने कमरे में। क्या मामा, मैंने ना अपने लाइफ में कभी जिंदा डाकू नहीं देखा, मुझे देखने दे। अरे देखने दो भाई, अभी थोड़ी देर बाद तो चले ही जाना है इसने। डाकू जी आप ठंडा ठंडा पियेंगे या गरम गरम? अरे हाँ भाई डाकू के लिए कुछ लाओ ना खाने पीने के लिए, ऐसा ना हो कहीं भूखा प्यासा ही मर जाए। जाइए। जाओ जाओ। गुलाम आप भी जाइए साथ। मामा आप ये क्या कर रही है? अगर इन दोनों को भेजा देंगे तो अगर ये भाग गया तो हम क्या करेंगे? हम तो इसे पकड़ भी नहीं सकते। हाँ कहती तो तुम ठीक हो, फिर क्या करें? अब हाँ एक काम करते हैं, आज कुछ हिम्मत कर लेते हैं और हम दोनों मिलकर काम कर लेते हैं। मैं हूँ ना आपका साथ दूंगी, ताकि इनके पास बैठे रहे। चलो ठीक है आओ फिर मेरे साथ। चले चले चले। अबे भाई सुन, देखो इतने पैसे मिलेंगे 50 लाख। अंकल जी अबे शुगर मिल, अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे कहा था ना तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा, चल 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 चल, चल। मोती चूर के लड्डू तुम्हारी अम्मा ने उसमें से आधा हिस्सा अपने नाम कर लिया है और बाकी आधा हिस्सा हमारा है, समझा? ओह भाई ये ऐसे नथने क्यों फुला रहा है जैसे किसी मिल की चिमनी में से धुआं निकलने वाला है, है? वैसे सुसर जी ये ज्यादती है। हाँ ज्यादती? अब ये खुद इस कुर्रे अर्ज पे इतनी भारी ज्यादती खुद है। अंकल ये बात अच्छी नहीं है। अबे शक्ल तो तेरी भी कोई खास अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। अबे बात सुन, इसको कहीं इधर आधर कर दे, ये इकट्ठा गोश्त देके तेरी अम्मा डिफ्रीजर में रख देगी। हाँ ये भी है, एक काम करता हूँ। हाँ अरे
अब तो बता दे भाई कि मुझे क्यों बांधा है। अबे तुझे बांधा नहीं है, सिर्फ लपेट के रखा है तुझे। चुप, चुप, मेरे साथ साथ रहो, करीब जाना मेरे। ओए मेरे अल्लाह, ये कौन है? अबे कितना खौफनाक है तू, जो खौफ है खुदा से नहीं डरी कभी, वो तुझसे डर गई बता। अरे मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ, बस मैं तो ये देख रही हूँ कि ये इतनी जल्दी कहाँ से आ गया और आप लोगों ने इसे बांध भी दिया। ये मम्मी जी, ये भी डाकू है, और ये डाकू इस डाकू का फ्रेंड है, और ये फ्रेंड डाकू है, डाकू फ्रेंड है। हाँ अच्छा सुनिए, डाकू भाई की है, इसमें बेहोशी की दवा डली है, ये मिलाइएगा। चलो 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 कमरे में चलते हैं, और हाँ पुलिस आए ना तो हमें बुला लीजिएगा। भाई अब तो बता दे कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? एक्चुअली यार मैं डाकू से ज्यादा ना अपनी बीवी हनी से डर रहा था, उसे क्या बताता कि तू कौन है। बात सुन, 6 लाख रुपए चाहिए ना, बस खामोश हो जा। जी नहीं अंकल, मुझे मेरा पूरा हिस्सा चाहिए। पूरा हिस्सा चाहिए? मैं पुलिस वालों को बता दूंगा ये डाकू का साथी है। अच्छा अब पैसे नहीं दे रहे, हिस्सा भी नहीं दे रहे, तो एक कप चाय पिला दे। हाँ इसको चाय पिला दे, एक मिनट में पिला दे। अब तूने घुमा दिया इसको। अब कौन सी वाली थी? ऐसा था, ऐसा था। दवाई वाली कौन सी थी? ऐसे 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 था। कौन सी थी दवाई वाली यार? चाय में क्या जहर है? पिला के चेक कर लेते हैं। मेरे को चेक करो, चेक करो। नहीं मेरे दोस्त, ये ले मेरा दोस्त, चाय पी पी ना, पी 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 पी। मुबारक हो, मुबारक हो, इसी में है। मैं जरा मैं पी लूं। ससुर जी ये यार बाबा सुन, दवाई तो इसमें भी लग रही है यार। दवाई तो इसमें भी लग, फिर ये वाली ठीक होगी, ये ठीक होगी, मैं पी लेता। लड्डू जी देखो ना, मैंने चाय बनाई है, पी के बताओ कैसी बनी है। चाय बताता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा, चलो गुलाम। कौन गुलाम? वो तो मैं गुलाम तो मैं हूँ गुलाम। आ रहा हूँ। जी बेगम बोलिए। देखिए हम लोग सोने लगे, आप डाकू का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा, और हाँ पुलिस वालों से 50 लाख रुपए लेके शराफत से मेरे अकाउंट में जमा करा दीजिएगा। पूरे नहीं, मेरा मतलब है कि आधे तो हमारे हैं ना बेगम। नहीं मैं ऐसा करती हूँ, सारे ही आपको दे देती हूँ ताकि आप लेके फरार हो जाएं। चले जाएं, लड्डू से कहें कि मेरे लिए एक कप चाय लेकर आए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आप ये वाली ले लें। ये वाली? ये कौन सी है? ये ठीक वाली है, मैंने लड्डू चेक कर लिए। नहीं पहले एक घूंट आप पिए। क्यों नहीं। ठीक है, डाकू का ख्याल रखिएगा, कभी सो जाए पढ़ के। ठीक है ठीक है, ठीक है बेगम, ठीक है ठीक है। सर मेरा सर दर्द, बहुत दर्द हो रहा है।
ऐसे नेक लोगों की वजह से ये दुनिया कायम है। भला बताओ, मेरे जैसे डाकू के लिए पूरे का पूरा घर खुला छोड़ दिए। खुश रहो। चाय? अरे आया हूं तो चाय तो पी के ही जाऊंगा ना। ये चाय है या जहर? तूने तंग किया है। अरे वाह, ये तो सारा माल अपना हो गया। ये असल डाकू है तो ये कौन है भाई? अबे कहाँ है साहब? ओह, अबे लड्डू, ए लड्डू, अबे लड्डू, अबे पता नहीं कहाँ है ये लड्डू। खबरदार, अपनी जगह से कोई नहीं लेगा। बेगम, आ जाओ, इनाम की रकम आ गई। देखिए भाई, ये आपका मतलूबा नामी गिरामी डाकू ये रहा, इसे ले जाइए और हमें हमारी मतलूबा इनाम की रकम दे जाए। हाय हाय हाय, अरे मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। अरे अल्लाह उठाए उस नामुराद को, अरे मेरे सारे सेवर चुरा के ले गया। मम्मी जी, डाकू तो यहाँ पर है, आपकी दौलत कहाँ चली गई? चुप कर रहे, ये डाकू नहीं है, ये हमारा बंदा है। ये डाकू आपका बंदा है? बेटे तुम बच्चे हो, यहाँ यही होता है भाई। भैया ये किसी का ही बंदा हो, आपका हो किसी का हो, इसे ले जाएं, हमें तो हमारी इनामी रकम दे दीजिए भैया। इनाम की रकम तो बेटा तुझे छितर पे रख के मिलेगी। तूने कल रात से हमारे अफसर को अगवा करके रखा हुआ है। हाँ, मैं पुलिस का ही आदमी हूँ और रात को खुफिया लिबास में उस खतरनाक मुलजिम की रेकी कर रहा था। इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया और तुम लोगों ने मुझे डाकू समझकर बांध दिया और असली डाकू मेरी निगाहों के सामने तुम्हारे घर में से सब कुछ लूट कर ले गया। पता नहीं ये असली डाकू कहाँ गया होगा। सर आप फिक्र ना करें, असल डाकू पकड़ा गया है। क्या क्या? सर उसे तो किसी मुजम्मिल नामी आदमी ने गिरफ्तार करवा के पुलिस के हवाले कर दिया है और इनाम भी ले गया है। सर मुजम्मिल मुजम्मिल मैडम, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपके घर से लूटा हुआ सामान मैं आपको वापस दिलवाऊंगा और हमारे एक अफसर को अगवा करने के जुर्म में मैं इन दोनों को गिरफ्तार करता हूं। नहीं। छोटे
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद। सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।